नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर निगम मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं ये लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी आज से दो दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री के मुताबिक आज के इस प्रदर्शन में प्रदेश के 59 नगर पालिका, 22 नगर परिषद, 11 नगर निगम और अग्निशमन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। सरकार से उनकी मांग है कि ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए, वहीं कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करें और अन्य मांगों का समाधान करें। अगर सरकार समाधान नहीं करती है तो 19 तारीख से दो दिन तक काम बंद कर हड़ताल करेंगे और अगर सरकार ने नहीं सुनी तो 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं जबकि सीवर में लोगों की मौत हो रही है। उनके मुताबिक सरकार की नियत सफाई कर्मचारियों का उत्थान करने की नहीं है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि दिवाली का त्यौहार है इसलिए वे हड़ताल पर जाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को उनकी बातें माननी पड़ेंगी। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील चिंडालिया है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का स्टेट का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। सर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कितने कर्मचारी हैं और क्या मांगे हैं? देखिए, भूख हड़ताल पर जो आज बैठे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की पालिका परिषद निगमों के 90 पालिकाओं के कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर हैं और ये जो बैठे हैं आज सरकार लगातार जो पालिकाओं के परिषदों के निगमों के कर्मचारी हैं, चाहे वो तृतीय श्रेणी के हैं, फोर्थ क्लास के हैं, फायर का कर्मचारी है, उन सभी कर्मचारियों का सरकार जमकर शोषण कर रही है। हमारी कई दौर की वार्ता सरकार से हुई है। तत्कालीन विभाग के जो हमारे मंत्री थे आदरणीय अनिल विज जी, उनसे हमारी मुलाकात 25 अप्रैल 2020, 17 अगस्त 2020 को हुई और जो वर्तमान में हमारे विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनसे भी 10 मई और 28 जून को हमारी बात हुई और जो पालिकाओं के तमाम कर्मचारियों की मांगें हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की कहें और जो PF ESI काटी जा रही है उसको खाते में जमा करने की, क्षेत्रफल आबादी में अनुपात में भर्ती करने की, फायर विभाग के जो 1366 कर्मचारी उनको समायोजित करने की, तमाम मांगों पर जो हमारी 16 सूत्रीय मांग है तमाम मांगों पर हमारी सहमति हुई है। लेकिन सरकार का बड़ा दोहरा चरित्र है कि सरकार मांग तो मान लेती है लेकिन मानने के बाद उन पत्रों को लागू नहीं करती है। हम लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी कोई एक बात नहीं सुन रही, इसलिए मजबूर होकर के नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने ये आंदोलन दिया है और हम 4 अक्टूबर से लगातार आंदोलन पर हैं और इसी संदर्भ में आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भूख हड़ताल जारी है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गरीब कर्मचारियों के आप मांगों की अनदेखी कर रहे हो, मानने के मार्ग पत्र जारी नहीं कर रहे हो, इसको आप तुरंत प्रभाव से पत्र जारी करें, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आगामी तीखा आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य अध्यक्ष। शास्त्री जी, धरना प्रदर्शन और आप भूख हड़ताल पर बैठे, क्या मांगे हैं आप? ये कार्मिक भूख हड़ताल है जो आज से शुरू होकर के अगले दो दिन तक चलेगी और प्रदेश की 59 नगर पालिकाओं में, 22 नगर परिषद और 11 नगर निगमों में पालिका परिषद निगम अग्निशमन के कर्मचारी अपनी न्यायप्रिय मांगों को सरकार से मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार ठेका प्रथा को समाप्त करे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करे और जो हमारे कर्मचारी चाहे वो डोर टू डोर के ठेके में हैं या वर्क आउटसोर्स के ठेके में हैं, ONDM के ठेके में हैं, उन सबको विभाग के रोल पर करें। पालिका परिषद निगमों में जितने भी 3-4 क्लास के कर्मचारी लगे उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर करें और विभाग के रोल पर करें। जो पार्ट वन के कर्मचारी जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनके 4-4 महीने का वेतन तुरंत प्रभाव से जारी करें। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ पुरानी पेंशन बहाल करें, समान काम समान वेतन दे, अन्य मांगों का समाधान करें। अगर सरकार समाधान नहीं करेगी तो हम 19 तारीख से दो दिन की काम बंद हड़ताल करेंगे और ये दिवाली का त्यौहार है, अगर सरकार ने जल्द बातचीत नहीं की तो हम 20 अक्टूबर को इस दो दिन की हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलेंगे और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब ज़्यादा अन्याय हम नहीं सहेंगे। आए दिन सीवर में मौतें हो रही हैं, सफाई कर्म मजदूरों का ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार जो है
वाल्मीकि प्रकट दिवस पर आयोजन करके इन गरीब आदमियों के उत्थान करने का ढोंग करती है। दूसरी तरफ प्रदेश में आए दिन सीवर सेफ्टी टैंकों में मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुरूप मैनुअल सिक्वेंजिंग का काम नहीं होना चाहिए, फिर भी सरकार उसको रोकने में असफल है। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो असफलता है और गरीब सफाई कर्मचारियों के प्रति जो सरकार की बेरुखी है, उससे प्रदेश के सफाई कर्मचारी नाराज हैं, चाहे वो शहर का। आपकी ये मांगे काफ़ी पुरानी है, क्या कारण है कि अब तक सरकार ने आपकी मांगों को पूरी? एक्चुअली सरकार की नियत नहीं है सफाई कर्मचारियों का उत्थान करने की, केवल ढोंग करती है, केवल दलित महापुरुषों के जयंती पर आयोजन करेगी और ऐसा प्रतीत होता है कि भाई वो बहुत ही दलित हितैषी हैं, लेकिन जो असलियत में सरकार का पर्दे के पीछे चेहरा है वो घोर दलित विरोधी चेहरा है। और ये 7 अक्टूबर को गोहाना में मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कितने कर्मचारी आपके साथ इस टाइम? 51 सफाई कर्मचारी, 61 जो है हमारे कर्मचारी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे। तो ये धरना आपका भूख हड़ताल कितने दिन चलेगी? ये 2 दिन चलेगी, अगले कल तक। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।